कह रहा था कि यहाँ पे आपको आरूढ़ा लग्न से भी आप देखिए इस चार्ट को, ठीक है? तो यहाँ में जैसा आपका जो लग्नेश है वो 10वें घर में है, बिल्कुल ठीक है? तो अभी 10वें से 10वां लीजिए, और जैमिनी में वो रूल है कि वहां से फिर 10वां लेना फिर दस पड़ेगा। वाले चौथा घर में आएगा आरूढ़ लग्न, बिल्कुल हाँ, तो चौथा घर में इनका आरूढ़ लग्न आएगा, ठीक है? हाँ अभी ये देखिए आप, आरूढ़ लग्न जब आप ये धनु राशि को बनाएंगे, ठीक है, तो वहां से जब आप देखेंगे पांचवा घर जो है, ठीक है, तो इनके पांचवा घर में शुक्र बैठा है, जो ठीक है कि ये सिक्स्थ लॉर्ड है, ठीक है? तो ये क्या दर्शाता है? ये कुछ उस टाइप का नहीं दर्शाता है कि ओ इनके, क्योंकि पांचवा घर आरूढ़ लग्न से दिखाता आपका फैन फॉलोइंग कैसा होगा, ठीक है? या कैसा हो वो बात की बात है, लेकिन लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, वो आपके बारे में क्या परसेप्शन है लोगों के दिमाग में, बिल्कुल हाँ, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, आपका जो दुश्मन है ना वो बैठा हुआ है आपके फैन के घर में। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनके जो दुश्मन होंगे इनके बहुत बड़े फैंस होंगे? और वो सच भी है ना, वाजपेयी इनके बहुत अच्छे दोस्त थे ना, और इन्होंने एक बार जब फॉरेन में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो कुछ यूएन या कहीं पे वाजपेयी जी को भेजा था, हाँ खुद जा सकते थे वो, लेकिन इन्होंने बोला कि वाजपेयी आप जाइए। हाँ, तो दोनों बहुत बड़े राइवल्स थे, बट दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे ना। और इनके जो बहुत सारे लोग हैं, सुब्रमण्यम स्वामी है जिनके, जो भी इनके ना बहुत सारे, उनकी मित्रता इनके बहुत घनिष्ठ थी उनसे भी, वाजपेयी हो गया, और बहुत लोग इनको बहुत पसंद करते। तो इसको कहने का मतलब ये कि आपके दुश्मन आपके फैन हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए मंगल इनका वृषभ में चला जाता, फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स, तो ऐसा होता कि आपके दुश्मन कौन, आपके जो फॉलोअर है वही दुश्मन हो गए ओहो, देखो कितना आपके। कितना, बिल्कुल आपने सही कहा। कई बार क्या होता है, विपक्ष के लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं बताऊं, शोएब मलिक से पूछा गया, शोएब अख्तर से पूछा गया सबसे अच्छा बैट्समैन कौन लगता है, तो उसने कहा भैया इंडियन टीम के दो बैट्समैन के नाम बोल दो, ये अच्छे लगते हैं। तो वो तो आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया कि जो आपके अपोनेंट है वो भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, आपने क्योंकि अगर फिफ्थ और सिक्स में चला जाए तो जो आपके सामने आपके फैन बनते हैं, अरे सर आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पीछे जाके वही आपको काम कर मेरी देंगे। चूरी नहीं भोंक देंगे आपके पीछे। तो जी ये मतलब वो एंगल से बहुत सही है ये कुंडली। अभी देखिए इनका जो गुरु केंद्र से बाहर रहे ना, तो इनको वैसे लोग नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे अरे लोग क्या बोलेंगे आप ऐसा काम करेंगे, तो हाँ कभी किसी ने नहीं किया ऐसा, कौन करता है, लिबरलिज्म मत कीजिए, जैसा है रहने दीजिए, हिंदुस्तान डूब रहा है डूबने दीजिए, चिंता मत कीजिए उसका। बट अभी ये बोल रहा ऐसा नहीं। क्योंकि मंगल ज्यादा ताकतवर है ना यहाँ गुरु से, वो गुरु तो क्या मतलब, वो केंद्र में ही नहीं है, तो गुरु का वो आएगा ही नहीं इसमें। तो बिल्कुल ये जब स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे तब कोई इनको नहीं रोकेगा, ये पूरा रॉयल रोड की तरफ ये ऐसा ये आगे जाएंगे। तो मैं देखता हूँ ये ग्रुप में ज्यादा बचा है क्या। हाँ, ये आखिरी चार्ट है, जो ये जो राज कपूर है ना, ये इनका चार्ट है। हाँ, कर्क लगन, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो यहाँ में आप वही नेहरू जी वाला थोड़ा स्टाइल देख सकते हाँ, हैं। शुक्र स्वराशि का है। हाँ, शुक्र और चंद्र, लेकिन यहाँ में शनि भी है, ठीक है? हाँ तो यहाँ में आपको ये चतुर्थ घर से रिलेटेड जो इनके रेमेडीज है ना, वो इनको बोलने करना पड़ेगा आपको। अगर ये कोई नॉर्मल आदमी होता, नॉर्मल नॉर्मल मतलब अगर ये आदमी आपके पास आता ना, कि वो ऐसा है ना, क्योंकि अभी शनि ज्यादा ताकतवर है वहां शुक्र से, ठीक है? तो ये तो खैर उनके लाइफ में स्ट्रगल रहा भी है, सबको पता है, बिल्कुल लेकिन अगर ये चार्ट किसी और आदमी की होता और वो आपके पास आता, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये शनि रिलेटेड रेमेडीज करो, क्योंकि शुक्र का पोजीशन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दिग्बल में है, क्योंकि वो चतुर्थ भाव जो आपका हृदय का है वो शनि क्या कर रहा है वहां पे। क्योंकि कहते हैं कि चतुर्थ भाव में अगर कोई भी पाप ग्रह बैठता है तो वो आपके हृदय को बहुत चोट पहुंचाता है, बिल्कुल 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 तो उसके वजह से कहते हैं कि चतुर्थ भाव का जो कारक है उसको ज्यादा बलवान करना चाहिए। और हृदय का कारक सब जानते हैं चंद्रमा है, लग्जरीज भी है फोर्थ हाउस में वो शुक्र है, बट हृदय का जो कारक है वो चंद्रमा है, ठीक है? तो
डिपेंडिंग ऑन चंद्रमा का जो प्लेसमेंट है उसके अनुसार आपको उपाय सजेस्ट करने होंगे। और यहाँ पे अगर ये मेरे पास आता तो मैं इनको बोलता ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो सुबह उठ के चार माला तो क्या होगा, शनि जो है वो उसका प्रभाव नहीं दे पाएगा। हाँ। तो ये जो शुक्र चंद्र जो केंद्र में ये बोलेगा अरे हाँ हम तो अब मारेंगे समझ आया ना। तो ये इस तरीके से हम रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, जब भी मेरे पास हाउस को पता है सबसे पहले देखता हूँ केंद्र कैसा है। लोग बोलेंगे अरे आपके त्रिकोण में ये है वो है, वो छोड़ो त्रिकोण तो कभी यूज ही नहीं होगा, यूज तो केंद्र होगा ना। सबसे पहले केंद्र देखो केंद्र में क्या है, क्योंकि वही चीजें आदमी अपने जिंदगी में लाएगा प्रैक्टिकल यूजेज पे। और इसीलिए आपको पता है कि केंद्र जो उसको नैसर्गिक शुभ स्थान बोलते हैं ना, बट इसका आंसर बहुत कम जगहों पे देखा है मैंने। मतलब ये एक थ्योरी जैसा ले लेते लोग कि केंद्र जो है नैसर्गिक शुभ स्थान है, बट इसका आंसर क्या है। आंसर ये है कि केंद्र में जो ग्रह है उसको आप लाइफ में बहुत प्रोमिनेंटली यूज करोगे तो आपके पास बहुत क्या बोलते हैं उसको, फ्री विल को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपकी लॉबी में बोल रहा हूँ अब, मतलब कर्मों के द्वारा आप उसको बदल सकते, आप अपने हाथों से कर्मों के द्वारा आप उन उस ग्रह, वो ग्रह अगर खराब भी है साइन वाइज अगर केंद्र में है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। और इनफैक्ट ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर भी लिया है कि सीक्रेट ऑफ केंद्रज, ये मैं चैनल पर डालने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीक। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे सर पता है क्या, हमने क्या सीखा है या हम क्या ऐसे इसको यूज करते हैं कि हाँ। आपकी पोटेंशियल एनर्जी या आपकी योग्यता वो तो त्रिकोण हाँ। है और आप उसको हाँ। कितना काइनेटिक में कन्वर्ट कर पाएंगे, उसकी वजह कितना एक्वायर कर पाएंगे वो आपका केंद्र है। फैंटास्टिक। तो वो ये नहीं, ये समझाया जाता था कि हमें अगर किसी व्यक्ति का पोटेंशियल उसके ट्रेट्स देखने हैं 159 को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लाइफ में अचीवमेंट जो अभी आपने कहा कि ये इस फील्ड में अचीव करेगा, ये इस फील्ड में सक्सेस अचीव करेगा, वो हमें केंद्र बताएंगे, वो हमें केंद्र ही अच्छा बता पाएंगे। क्योंकि मुझे एक चार्ट का पता है जिसका गुरु और बुध पांचवे घर में है, ठीक है, और पूरा केंद्र खाली है और पंचमेश भी कहीं ठुसा हुआ है कहीं दुस्थान में जितना मुझे पता है तो आप कुंडली देखेंगे, अरे गुरु बुध पांचवे में है, अरे तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी होगा। बात बिल्कुल सही है, ये आदमी हमारे 12th का जो सिलेबस होता है ना केमिस्ट्री का, पूरा सिलेबस कितने टाइम में खत्म किया था बताइए, 3 महीने में। अच्छा जी हाँ, इसका नंबर भी अच्छा है, 80s में आया है। लेकिन वो क्योंकि लग्नेश अच्छा नहीं है, पंचमेश अच्छे स्थिति में नहीं है, उसके वजह से क्या हुआ, ऑल्दो ये इंटेलिजेंस है उनके पास बट वो कभी यूज में नहीं आता है, एंड मोमेंट पे काम करता, तो क्या फायदा उसका। तो पंचमेश दर्शाएगा, इसलिए मतलब मैंने देखा ना पंचमेश नवमेश जब भी केंद्र में होना सबसे अच्छा है ये मतलब उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी भी केंद्र में से अगर कहीं पे भी पंचमेश या नवमेश आ गए तो दोनों में से एक को तो इफेक्ट करेगा, आपके लग्न को इफेक्ट करेगा या आपके दसवें घर को। बैठ के तो एस्पेक्ट देखे, तो मतलब आपके जो इनहेरेंट ट्रेड्स पोटेंशियल्स है वो किसी ना किसी तरीके से आपके लाइफ में या आपके वर्क प्लेस को इफेक्ट करेगा, विच इज फैंटास्टिक। तो इसीलिए मैं देखता हूँ कि अगर पांचवा घर और नवा घर का स्वामी, और हमें तो पता है धर्म कर्माधिपति योग जो सबसे उच्च योग बोला जाता है, उसमें तो नवे और दसवें का लिंक देखा जाता है। तो ये पार्ट में यहाँ बंद कर दूंगा और अभी मैं कुछ दोस्तों की कुंडलियां खोलूंगा इनमें से कुछ ऐसे वैसे भी है जो मैंने आपके पहले सेशन पे ना वो अध्यात्म और विवाह उनको भी दिखाया, लेकिन अभी यहाँ फोकस अलग होगा अभी हम अध्यात्म में नहीं जाएंगे तो यहाँ मैं सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये जो मेरा फ्रेंड है ये वही है जो आई एम बैंगलोर से जो पास आउट है जिसका बर्थ डिटेल आपने मांगा था यहाँ में देखे एकदम क्लीन क्लीन कट रास्ता
फ्लैट विकेट पे सचिन तेंदुलकर विराट कोहली खेल रहे हैं वीरेंद्र सेवाग और ना तेंदुलकर वसीम अकरम बॉल डालने वाला है कुछ उस टाइप का ना कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं भैया। सीधी सपाट वही जो अभी आप इंडिया के ट्राइसीना वाला एग्जांपल दे रहे थे वो बिल्कुल क्लियर है कि कुंडली के केंद्र में शनि इकलौता है और वही बली है और राइट आप और कोई उसको उसको कंफर्म करने के लिए बली भी है महापुरुष योग भी है क्या चाहिए वो और एकादश भाव का स्वामी भी है ना इनका जितना पैसा आएगा ना आमदनी डेली इनकम वो सारा इनके काम से आएगा और क्योंकि वो महापुरुष योग में है तो बहुत अच्छा होगा। और अभी लास्ट टाइम जब मैं ये वीडियो शूट करा था आपके साथ तब वो एजुकेशन कर रहे थे अपना आई एम बैंगलोर में ठीक है तब हम नवे घर में चर्चा कर रहे थे ना तो तब हमारा फोकस भी उसी साइड था गुरु किसको देख रहा है लग्नेश किधर है ना लेकिन अभी अभी इनको एक कंपनी है बैंक है यस बैंक जी वो बॉम्बे में इनको नौकरी मिल गया बहुत अच्छा नौकरी है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ तो वहां में नौकरी कर रहे हैं और अभी जस्ट ही ज्वाइन की है और आप ट्रांजिट्स भी लगा सकते हैं इसमें देखिए ये अभी एरिस लग्न है ना मेष लग्न बिल्कुल तो इनका लग्नेश अभी कहाँ गोचर कर रहा है 10th हाउस में तो इनका जॉब का ज्वाइनिंग कब आया होगा क्या लगता है आपको 7 मई को ज्वाइनिंग आया देख रहा है मतलब एक्यूरेसी का क्या बोलूं मैं ये मतलब और ना तो अभी पूरा लग्नेश 10th में गया था पूरा फोकस इनका वर्क पे है ना वर्क 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 एक हफ्ते से मैसेज डाल रहा हूँ रिप्लाई नहीं आता है मुझे और इसके पहले जब मंगल यहाँ में था तो शनि मंगल एक साथ थे धनु में जी अरे बाप रे क्या स्पिरिचुअलिटी किया है इन्होंने बाप 10 साल में जो नहीं किया ना वो 45 दिन में ना इट्स लाइक एक बार में ना ऐसा खोल के रख दिया एकदम अच्छा अच्छा हाँ तो खैर यहाँ में वही दर्शा रहा था मैं कि यहाँ में तो देख रहा है ना इट्स लाइक वेरी क्लीन पोजिशन ही नहीं है तो बहुत सही और ऊपर से तो यही सब है लग्नेश नवे में गुरु एस्पेक्ट कर रहा है वो सब तो है ही अपने में बट यहाँ बात अगर केंद्र की हो तो वो है और इनका बहुत स्ट्रगल भी रहा है लाइफ में जैसा ये पहले एनआईटी हमारे राजस्थान में जो है एनआईटी मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहां पे इनको एडमिशन मिला था बीटेक करने के लिए लेकिन एक साल के बाद उन्होंने फिर आईआईटी का एग्जाम फिर से दिया और उसमें भी वो क्रैक कर गए उसके बाद उन्होंने बीटेक आईआईटी गुवाहाटी से किया उसके बाद कैट क्रैक करके आईआईएम बेंगलोर से जो आईआईएम अहमदाबाद के बाद ही माना जाता है सबसे बेस्ट कॉलेज फॉर मैनेजमेंट वहां से इन्होंने वही जो डिप्लोमा होता है वही किया एमबीए जिसको बोलते हैं और उसके बाद अभी बॉम्बे में बहुत अच्छे बैंक में नौकरी कर रहा है तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स हियर और इनका मंगल है नहीं केंद्र में ना तो इनको रोकने वाला कोई नहीं है वरना मंगल होता तो बोलता कि अरे ये भी करो वो भी करो ना 10 चीजें करो लेकिन बट ये वैसे नहीं इनसे बात करोगे ना वेरी फोकस्ड ना पिन पॉइंटेड एक डायरेक्शन में जाएंगे उस टाइप के आदमी अभी हाँ अब मैं बता रहा था ना ये एक दूसरा चार्ट ये एक मेरा दूसरा दोस्त है जो डेनमार्क में अभी जिसने मास्टर्स खत्म किया और इनको हाल ही में पीएचडी में एडमिशन मिला है जर्मनी में तो यहाँ भी आएंगे साथ में ही रहेंगे हम दोनों ऊपर वाले की इच्छा हुई तो अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जो है इनका केंद्र में दो ग्रह बहुत बलवान है ठीक है बलवान इन द सेंस की प्रोमिनेंट है वो है गुरु और शुक्र तो उसके वजह से यहाँ पे ना जो इनका ये क्योंकि ये दोनों जो है ना ये दोनों गुरु है तो इनको गाइडेंस देना या एजुकेशन रिलेटेड ना क्योंकि एक दानव गुरु है एक जो है देव गुरु है तो उसके वजह से इनका वो एजुकेशन रिलेटेड जो ट्रेट ना तो अभी ये फिलहाल पीएचडी करने वाले हैं और इनका प्लान है कि अपना एक इंस्टीट्यूट खोले वो अपना इंस्टीट्यूट खोल के वो दूसरे बच्चों को पढ़ाए दूसरे लोगों को एजुकेट करे ना क्योंकि वही दोनों गुरु साथ में बैठ गया ना तो ये एरिया में वो हार्मोनियस हो रहा है दोनों और यहाँ में जो बुध है वो भी उच्च का है ना तो और ये वर्गोत्तम भी है ये डिग्री अगर आप देखें वर्गों में
चित्रा, चित्रा नक्षत्र का सेकंड पद आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो नवांश में भी ये उच्च का ही है, तो कन्या राशि में हो जाएगा। बहुत ही ये है, मतलब आपकी इनका जो पंचमेश है वर्गोत्तम है और उच्च का भी है, क्योंकि पंचमेश आपको दर्शाता है कि आपका बुद्धि कैसा है ना। और खैर, क्योंकि ये अस्त है सूर्य से, तो इनके लाइफ में एक प्रॉब्लम आया था। इन्होंने एक बार पीएचडी शुरू किया था, बट इनको वो पीएचडी छोड़ना पड़ा किसी वजह से, क्योंकि इनके डोमेन से मैच नहीं हो रहा था। तो कहते कि जब पंचमेश या नवमेश थोड़े बुरे अवस्था में हो या दुस्थान में, तो आदमी के एजुकेशन में प्रॉब्लम आता है, और ये बहुत सही है। बिल्कुल, यहाँ में अष्टम में भी है और अस्त भी है सूर्य से, तो थोड़ा प्यूरिफिकेशन इनको अंडरगो करना पड़ा। बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए वो डिसीजन, और उसके बाद अभी वो उनको नया पीएचडी मिल गया और ही इज वेरी हैप्पी नाउ। ओके, अच्छा। हाँ, तो ये हो गया। और इसके बाद ये एक चार्ट है, ये भी एक फ्रेंड है मेरी, उनका चार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इनका जो शनि और मंगल एक साथ है, बाप रे। यहाँ में एक उच्च का है और दूसरा उन साइन में, तो एक दूसरे को पीट रहा है, मार रहा है ना। तो उसके वजह से अभी देखिए, ये लड़की आर्किटेक्चर लाइन में है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, आर्किटेक्चर कौन से प्लेनेट दर्शाता है, आपको आर्किटेक्चर रिलेटेड काम करना है तो आपको देखना पड़ेगा फोर्थ हाउस टेंथ हाउस लिंक्ड है कि नहीं। शनि को तो शनि मंगल बराबर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सारे तो प्लैनेट्स है, और चंद्रमा खैर आप इग्नोर कर भी ले, लेकिन शनि मंगल को देखना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो अभी देखिए इनका क्या हो रहा है, मैं बोल रहा था ना क्या सजेस्ट करे, तो अभी वहां बात आती है। तो अभी यहाँ पे देखिए, इनका जो चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो यहाँ में वही युद्ध में गया है, ठीक है। दसवें घर का जो स्वामी फिर से युद्ध में गया है, तो बड़ा मुश्किल हो गया ये। ऊपर से शनि मंगल दोनों जो नैसर्गिक कारक है, वो आर्किटेक्चर घर लैंड ये सब का, वो खुद भी युद्ध में है, ऊपर से घर भी कौन सा है ये सिस्टम है। तो आपको क्या लगता है, अगर ये लड़की मुझे पूछे कि मुझे आर्किटेक्चर के साइड में जाना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूंगा मत जाओ, वहां में बहुत सफरिंग मिलेगा। और इसके साथ हुआ है, इसके साथ ऐसा हुआ है ना, मतलब ऐसा ऐसा कांड हुआ इसके साथ, जब वो बॉम्बे में वो रिजवी कॉलेज से इसने आर्किटेक्चर खत्म किया, वो मतलब ऐसा है ना कि आप आपकी जिंदगी में बस एक ही चीज बची हुई है जो आपके साथ नहीं हुआ है, मतलब आपका रेप नहीं हुआ है और आपको मौत नहीं आया है। अच्छा जी, ये दो के अलावा इनके साथ सब कुछ हुआ है, जो आप सोच सकते वो भी हुआ, जो नहीं सोच सकते वो सब भी हुआ है। और इनका सिचुएशन ऐसा था कि एक बार एक प्रोफेसर ने बोला कि मैं आपको फेल करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप कुछ इशू हो गया था एग्जाम में, तो इसने बोला कि अगर आप मुझे फेल कराएंगे तो मैं क्या करूंगी, मैं ऊपर जाके छत से कूद जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं ऐसे ही नहीं कूदूंगी, मैं जर्नलिस्ट को लेके आऊंगी, आपको बर्बाद करूंगी, फिर कूदूंगी मैं, देख रहा है ये शुक्र तृतीयेश। देख रहे है, थर्ड हाउस आ रहा है, थर्ड लॉर्ड इन सिक्स हाउस, मतलब युद्ध के टाइम में ना ये जर्नलिस्ट लोग फोटोग्राफर ये लोग आ जाएंगे। तो इसके वजह से काफी, और ये अभी फिलहाल जर्नलिज्म के साइड में जाना चाहती है। तो अब वहां पे भी दिक्कत दिख रहा है मुझे, देख रहा है। तो वहां पे भी अभी वो कुछ कोर्स कर रही है, वहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी वही बहुत दिक्कत भरा चार्ट है, इसमें क्या सजेस्ट करें। तो मैं तो इसको वही सजेस्ट करूंगा कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस के तरफ अगर आप कुछ कर सको, सोसाइटी रिलेटेड ना, जैसे जुपिटर सन हो गया, हाँ मैं आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि पंचमेश आपका लगन में है। क्योंकि पंचमेश जहां तक मुझे पता है ना, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, पंचमेश का जो प्लेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए कि आपका जो प्राइमरी स्किल है ना उसमें आप कितने, क्या बोलते हैं हिंदी में, पारंगत या परांगत, पारंगत, क्या बोलते? पारंगत पारंगत, यस, कितना परफेक्शन होगा आपके स्किल में।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए पंचमेश को देखना। और यहाँ मैं पंचमेश देखिए लगन में है इसका, वैसे वो है ट्रेट कि वो आर्किटेक्चर में ड्राइंग होता है ना एकदम परफेक्ट समझ रहे, एकदम स्किल मतलब 100% है यहाँ पे। लेकिन वो आर्किटेक्चर रिलेटेड साइड में इसको मुश्किल होगा अगर जाती है तो आई वुड से अवॉइड दैट लाइन एंड चूज समथिंग एल्स, समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। और मर्क्यूरी यहाँ में जुपिटर दिग्बली है, आई एम सॉरी बीच में मैं रोक रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा कि जैसे इस कुंडली में दिग्बली गुरु लगन में है और आपने ऐसे बताया था कि सूर्य भी उसको सपोर्ट करता है, तो क्या ऐसी कोई लाइन जो जुपिटर से कनेक्टेड हो वो कुछ सूट कर सकती है इसको या कैसे देखेंगे? हाँ वही तो बोला ना मैंने, एजुकेशन वाइज या पॉलिटिकल रिलेटेड वो कर सकती है। और बुध जो है यहाँ यहाँ नीच का है लेकिन नवांश में वो एग्जॉल्टेड है, उच्च का है। तो उस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि उसको राइटिंग वगैरह में कर सकती है एटलीस्ट ना कुछ। और बहुत सारी चीजें हैं, पूरा चार्ट देख के कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल। तो, लेकिन सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ मत जाओ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। उसके बाद ये देखेंगे कहाँ जाना चाहिए समझ आया ना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कहाँ नहीं जाना चाहिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज बड़ा क्लियर हो गया, जर्नलिज्म में दिक्कत है इसका क्योंकि शुक्र जो वो तृतीय शोक है वो दशमेश भी है ना, तो वो भी ये युद्ध में चला गया है। और इसका जो शुक्र है वो आत्मकारक है, मतलब ये शनि और मंगल दोनों से आगे है डिग्री में, ठीक है। तो इन वन वे हम बोल सकते हैं जर्नलिज्म कर सकते हो क्योंकि ये बीच में तो नहीं है ना शनि मंगल के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऑप्शन वो होता भी है लेकिन बट उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हमें देखने पड़ेंगे ना, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा रेमेडीज वगैरह देके। तो वैसा ही होगा ये, उसी तरीके से इसका इलाज हो सकता है वरना तो बहुत मुश्किल है। और रहा सवाल आर्किटेक्चर का तो नो नहीं और ये खुद भी बोलती है कि मेरा मौत ही बच गया था, मैं और मैं नहीं जाने वाली उस लाइन में, कुछ और बताओ मुझे। और अभी मैं आपको ये इसका नाम ही देकर रखा मैंने डिफिकल्टी This girl is the most